हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि पेटीएम की केवाईसी कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने पेटीएम अकाउंट बनाया है और आप लोग अपने पेटीएम की केवाईसी करना चाहते हैं लेकिन आप लोगों को नहीं पता है कि पेटीएम की केवाईसी कैसे की जाती है, तो ये वीडियो है आप लोगों के लिए। इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि पेटीएम की केवाईसी कैसे की जाती है। इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लेते हैं तो आप लोग बड़े ही आसानी से पेटीएम की केवाईसी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को फटाफट से बता देता हूं कि पेटीएम की केवाईसी कैसे करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, पेटीएम की केवाईसी करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे लोगो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग अपना पेटीएम जो है लॉगिन नहीं है तो पेटीएम को लॉगिन कर लीजिए। तो यहाँ पे पेटीएम लॉगिन होने के बाद आप लोग स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ मिल जाता है प्रोफाइल सेटिंग। प्रोफाइल सेटिंग में जब आप लोग क्लिक करते हैं तो यहीं पर आप लोग को प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाता है। प्रोफाइल पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को जो पेटीएम वॉलेट है वो इनएक्टिव दिखा रहा है, तो अभी आप लोग का जो है यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग को केवाईसी करनी है तभी एक्टिव होगा। यहाँ पे ऊपर साइड में एक सर्च वाला ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे जब आप लोग सर्च करते हैं यहाँ पे आप लोग को मैं एक बार बैक करता हूँ, यहाँ पे सर्च वाले पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए केवाईसी। जैसे आप लोग केवाईसी टाइप करेंगे तो ये मिल जाता है केवाईसी नियर पॉइंट, यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है आप लोग को देखने के लिए। अब दोस्तों, आप लोग के डॉक्यूमेंट में मतलब आपका जो भी डॉक्यूमेंट है जिससे आप केवाईसी करना चाहते हैं उससे आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग के जो है इनमें डॉक्यूमेंट में कोई भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए या पासवर्ड होना चाहिए, वोटर आईडी होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या नरेगा जॉब कार्ड होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, आधार कार्ड से करूँगा। तो यहाँ मिल जाता है आप लोग को आधार कार्ड का नंबर, तो यहाँ पर आप लोग को आधार पर जो ऑप्शन आ रहा है आधार कार्ड, तो यहाँ पर आप लोग टिक रखिए इसको, ठीक है। और इसके बाद टिक रखने के बाद नीचे आइए और यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालिए और यहाँ पे आधार में आप लोग का जो नाम है फुल नेम वो यहाँ पे डाल दीजिए। दोस्तों, यहाँ पे मैंने आधार कार्ड का नंबर डाल दिया, नाम डाल दिया और इसके बाद आप लोग इसको जो है टिक करेंगे आई एग्री पे और इसके बाद आप लोग को मिल जाता है एक्टिवेट माई वॉलेट। यहाँ पे आप लोग एक्टिवेट माई वॉलेट के ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर दीजिए, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप लोग बड़ी आसानी से अपने पेटीएम का केवाईसी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग ने पेटीएम का केवाईसी करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही है कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलेगा, मैं आप लोग रिप्लाई जरूर से कर दूंगा। सो गाइस, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।